फिर भाग के चले आए तुम। बस यही तो तुम करते हो, जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती तुम वहां से भाग जाते हो। पहले प्यार से भागते रहे, फिर शादी से, और अब जब तुमने जानवी से शादी कर ली है तुम पूजा छोड़ के यहाँ भाग के चले आए। मैं कुछ भी करूं तुझे क्या हुँ? और तू क्यों तेरे बाल ये क्या किया तुमने? तुम अपने बाल काट लिए क्यों? हम कुछ भी करें सागर, तुम्हें क्या? हमारे बाल है हमारी जिंदगी, हम जैसे मर्जी जिए, तुम्हें उससे क्या मतलब? नहीं, तेरा कोई हक नहीं बनता, कोई मर्जी नहीं है तेरी, समझी तू? तू मेरी गंगा है, मेरा अधिकार है तुझ पर। चाहा तो हमने भी यही था सागर, कि तुम्हारा अधिकार हो हम पर, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अब तुम्हारा हम पर कोई अधिकार नहीं है। प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत कर। कैसी बातें नहीं करे? तुम क्या उम्मीद करते हो हमसे? तुमने तो शादी कर ली ना, अब हमसे क्या चाहते हो तुम? कि हम तुम्हारे प्यार में पूरी दुनिया को बुला के पागल हो जाए, होश खो दे अपना? तुम्हें कोई मजाक लगता है या तुम्हारे लिए कोई नया खेल है ये? या तुम बचपन की तरह चाहते हो कि गंगा तुम्हारे इशारों पे नाचती रहे? तुम बोल गंगा बैठ जा तो हम बैठ जाएंगे, बोल गंगा उठ जा तो हम उठ जाएंगे, तुम्हारे कहने पर हंसेंगे, तुम्हारे कहने पर रोएं, क्या चाहते हो ना तुम? सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो। नहीं नहीं मिस्टर सागर चतुर्वेदी, गंगा कोई खिलौना नहीं है जो तुम्हारे इशारों पे नाचती रहे। अपने जीवन की डोर तुम्हारे हाथों में देकर यहां वहां डोलना हमें मंजूर नहीं है। अब आज तक हम मृग तृष्णा के छलावे में जीते रहे, लेकिन अब नहीं सागर, हम कोई खिलौना नहीं है जिसे अम्मा जी अपने लल्ला का मन बहलाने के लिए इस घर में लेकर आई थी। हम भी इंसान हैं, हमारे सीने में भी दिल है जो दर्द होने पे तड़पता है, रोता है। इसलिए प्लीज प्लीज सागर, हमें हमारी इच्छा से अपने हिसाब से जीने दो। और तुम रंजन बाबू, आपको रूमी में रहना चाहिए था, वीकनेस अभी गई नहीं है। मैं ठीक हूँ राघव जी। क्या हुआ, पूजा हुई क्या? पूजा कैसे समाप्त होती जस साहब? आपका बेटा बीच में अधूरी पूजा छोड़ के चला गया। ये पूजा का आसन, ये हवन कुंड, अपनी धर्म पत्नी का साथ, सब कुछ यहीं छोड़ के निकल गया अचानक। पूजा में विघ्न डाल दिया। वो दरअसल सागर, सॉरी पंडित जी, सॉरी पंडित जी, पूजा के बीच से उठ के चला गया। मैं सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, सॉरी सॉरी। मतलब अच्छा हुआ दादी नहीं है, दादी होती तो कितना नाराज होती आपको पता है? ऐसे कान पकड़ती मेरा और कहती, लल्ला तुझसे पाप हुआ है, पाप। तो हो गई गलती, मैं क्या करूं, सॉरी, गलती होगी। नहीं नहीं नहीं, गलती नहीं, पाप हुआ है मुझसे, पाप। हाँ तो पंडित जी, एक काम करते हैं, आप पूजा कंप्लीट कीजिए, हम दोनों मिलके पूजा कंप्लीट करते हैं, ताकि जो पाप मैंने किया है ना वो पाप कुछ कम हो जाए, ठीक है? तो पंडित जी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। सब कुछ पंडित जी, मेरे गृहस्थ जीवन में तो अंधेरा ही अंधेरा है। पूछिए कैसे, पूछिए कैसे,
कैसे? नहीं, जिस लड़की से मैंने प्यार किया, जिसे मैंने अपनी पत्नी माना, उसने तो एक पल में ऐसे मेरा हाथ झटक दिया, मुझसे अलग हो गई। वो दूध में एक मक्खी की तरह उसने मुझे ऐसे निकाला और फेंक दिया। तो कैसी कैसी गृहस्थी, कैसी शादीशुदा जिंदगी। शिव शिव शिव, अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हो बेटा तुम? सच कह रहा हूं मैं, जो कह रहा हूं मैं सच कह रहा हूं, यही सच है। हम दोनों को प्यार में ठोकर मिली है। प्यार के मारे दो टूटे हुए लोग क्या गृहस्थी बसाएंगे? है ना जानी, है ना? हाँ पंडित जी, लेकिन हम एक गृहस्थी की चिता जरूर जला सकते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी आग के फेरे लेकर लोग जन्म जन्म के रिश्ते बांधते हैं ना। आज इसी आग में मेरा दिल, मेरी आत्मा, सब कुछ जलकर राख हो रहा है। मेरे अंदर एक आग जल रही है, एक आग सुलग रही है, वो किसी को दिखाई क्यों नहीं देता? देखो इस आग को जिसमें मैं झुलस रहा हूं, देखो सब। ये दिन दिखाने के लिए तुझे लाड प्यार से पाल पोस के इतना बड़ा किया ताकि तू मजाक बना के रख दे खुद का भी और हम सब का। कभी तो हमारे बारे में भी सोच ले, अपने पिता के बारे में सोच ले कि उन पे क्या गुजरती होगी। इतनी नफरत है सबसे, हम सब से, तो जला दे हम सबको इसी आग में आज। नहीं मम्मी, आग में मुझे ही जलना होगा, ये मेरी किस्मत है और मेरी सजा भी। मेरे बेटे से बदला ले रही है ना, उसे बर्बाद करना चाहती है ना तू? उसकी गृहस्थी बसने से पहले ही उजाड़ देना चाहती है, यही चाहती है ना? अम्मा जी बिल्कुल ठीक कहती है कि ये लड़की सर्वनाश लेकर आएगी इस घर में, और वही किया, सर्वनाश। छोड़ो इसे, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी, इतना अधिकार है कि नहीं मुझे? तुम तो जानते हो ना कि हमने दिखावे के लिए कभी कोई रिश्ता नहीं जोड़ा, लेकिन प्लीज इस बार हमें मंजूर। बस बहुत हो चुका, मैंने तुमसे कहा ना तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी, अगर मेरे बोलने के बाद भी तुमने मना किया तो आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म।